हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज चल रही है होली कीच वाली। कल थी कलर वाली और आज है होली कीच वाली। अभी आप देख सकते हो रास्ता इतना गंदा नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद देखना रास्ते का क्या हाल होगा। तो गाइस, सुबह हो चुकी है, मैं जग चुकी हूँ और सभी लोग जग चुके हैं घर में। प्रांशु चला गया होली खेलने घेर में। प्रांशु के पापा आए थे रात, हॉस्पिटल में थे बाबा, तो एक रात के लिए आए थे। और थोड़ा सा उनका काम था वॉशिंग वगैरह का, वॉशिंग वगैरह ठीक करनी है उनको। मैं अभी जग गई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर जाके होली। तो ये आ रहा प्रांशु, घेर में चला गया था, वहाँ से होली खेल के आ रहा। पूजा कीचड़ वीचड़ में सन रहा ये, और बच्चों ने दोबारा से इसके ऊपर कीचड़ डाल दिया। देखो सारी टीम बैठी हुई है, सब गोबर कीच में सने हुए हैं सारे बच्चे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, यहाँ गाने वगैरह चल रहे थे और तो कॉपी राइट आ जाता ना गाने की वजह से, तो इसीलिए मैंने ऊपर से आवाज़ डाली है। अभी प्रांशु आ चुका नीचे वाले घर में, नल चला के अपने ऊपर पानी डालेगा और अपनी कीच वगैरह करेगा ये साफ़। तो इसका पूरा दिन यही चलता रहेगा। अभी देखो बाहर दोबारा से कितनी सारी कीच गोबर हमारे दरवाजे पर, बच्चे खेल रहे हैं होली वगैरह। तो आप देख सकते हो गाने वगैरह चल रहे हैं, नाच भी रहे हैं बच्चे, गोबर भर भर के ला रहा है बहुत सारे। देखो यहाँ चक्की है सामने, चक्की में रहते पोहे और वहाँ गोबर पड़ा हुआ है, तो बच्चे घुल रहे हैं एक बाल्टी में गोबर। मैं आपको दिखा सकती हूँ, देखो गोबर कैसे कैसे घुल रहा है। आधे बच्चे यहाँ बैठे हैं, आधे बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं कुछ। और एक देखो ये यहाँ पे गोबर का घोल बना रहा है ये। तो आज है गोबर और कीच की होली, कल थी कलर वाली होली। तो गांव में ऐसी होलियाँ खेलते हैं बच्चे। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए गाइस और देखते रहिए बच्चे होली कैसे खेल रहे हैं। प्रांशु देखो कीच में सन के आया था, अब दोबारा से फिर नए कपड़े पहन के आ गया और आप देख सकते हो घर पर जा रहा है ये प्रांशु, ये जा रहा है जो घर में, आप चला गए अंदर। तो गाइस, बच्चे होली खेल रहे हैं, मैं बना रही हूँ खाना। तो होली तो मैं खेल ही रही हूँ, मेरा मन नहीं है, तबीयत ठीक सी नहीं है, आप मुझे देख सकते हो मैं कैसे बैठी हूँ। तो कभी कभी ना मन ऐसा हो जाता है कि ना तो तैयार होने को मन करेगा और फिर घर में अकेली काम करने वाली हूँ मैं, तो आप समझ सकते हो कि कभी कभी ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और अपने आप को भी ठीक नहीं कर पाती हूँ। तो जैसी होती हूँ वैसी मैं ब्लॉग में आ जाती हूँ, मेरा कोई दिखावा नहीं है कि मैं, मतलब जो मेरा जो रियल कंटेंट है ना, मैं बिल्कुल एकदम रियल कंटेंट ला रही हूँ अपना, जैसे मैं रहती हूँ, क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, तो वो सारा आपको हमारे ब्लॉग में देखने को मिलेगा।
और ये वॉशिंग मशीन ठीक कर रहे हैं। मैंने यहाँ ढेर सारा धनिया काट के रख लिया, इसकी बनाऊंगी मैं, जैसे मेथी आलू की सब्जी बनती है ना, ऐसे मैं बनाऊंगी धनिया आलू की सब्जी सेम ऐसे। बाबा भी हॉस्पिटल में, उनको छोड़ के मतलब कुछ काम था एक दिन के लिए आए, और वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी, इसको ठीक कर रहे थे। अगर हो जाएगी ठीक तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में करेंगे, क्योंकि रात आए थे, अभी इनको थोड़ा सा टाइम मिला, अभी मतलब ठीक करके खाना खा के नहा के फिर दोबारा चले जाएंगे हॉस्पिटल बाबा जी के पास। और देख रहे हैं अभी क्या कमी है इसमें वॉशिंग मशीन में, जब तक मैं इनका खाना बना दे रही हूँ, खाने में बना रही मेथी आलू बोल देती हूँ सॉरी, धनिया आलू की सब्जी बना रही हूँ मैं, जैसे मेथी आलू की बनती है ना सेम लहसुन का तड़का लगता है, ऐसे सेम बना रही हूँ मैं। और बनाऊंगी मैं मटर आलू टमाटर की सब्जी, जब तक ये अपनी वॉशिंग मशीन ठीक कर रहे हैं, और हम घर पे ही अपना मशीन वगैरह ठीक कर लेते हैं, मतलब यही कर लेते हैं, मेरे को नहीं आती है, इनको आती है तो अपना ठीक कर लेते हैं ये। और मैं अपना घर का काम कर रही हूँ, बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ और खाना भी बनाऊँगी। मटर की दूसरी सब्जी और बनने जा रही है अभी, धनिए की, आटा लगा कर रख दिया यहाँ पे, रोइयाँ भी बना दी है, दही रखा हमारे यहाँ दो तरह की सब्जी, दही और रोटी, खाने में ये बनने वाला है। खाना पीना सब हो चुका है, अभी हो रही है शाम, मैं लगा रही हूँ झाड़ू क्योंकि मुझे जाना है घेर पे, और मैं शाम का काम कर रही हूँ। मैं तैयार वैसे हो चुकी हूँ, प्रांशु भी तैयार नहीं हुआ, प्रांशु दो तीन बार होली में सड़ गया और दो तीन बार उसके कपड़े चेंज हो गए, तो मैं फटाफट से यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। गाइस मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ और इस ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए गाइस, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, अगर आप हमें अच्छे कमेंट करोगे और लाइक करोगे तो देखो हमें भी हौसला मिलता है, मन भी करता है वीडियो बनाने का। आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो, इतना तो बुरा ब्लॉग नहीं बनाते हम, बहुत लोगों के मैंने ब्लॉग देखे हैं इतने गंदे गंदे, मतलब उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है और उनका कंटेंट भी अच्छा नहीं होता, हम बिल्कुल रियल, जो हमारी रियल ज़िंदगी है, अपनी रियल ज़िंदगी के हम ब्लॉग बना रहे हैं और आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और अगर मेहनत का फल ना मिले तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और कम से कम मुझे 3-4 साल हो गए, 3-4 साल से मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ इतनी सारी, और आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा ना करें और सपोर्ट बनाए रखें अपना, आप लोगों के सपोर्ट के बगैर देखो कुछ भी नहीं हो सकता, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट ऐसे ही करते रहें, और मुझे इससे हिम्मत मिलती है और मुझे आगे बढ़ने का मन भी करता है। और ठीक है मैं अब इस ब्लॉग को कर दूँगी यहीं पे एंड, अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, देखते हैं इस ब्लॉग में कितने कमेंट आएंगे और कितनी लाइक आएंगी, आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करोगे। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।